हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2015 में आई एक जैपनीज मूवी टैग को, जिसे देखने पर शुरू शुरू में लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और कन्फ्यूजन भी खत्म होती जाती है। शुरू शुरू में ये कहानी आपको कन्फ्यूजन लग सकती है जैसे मुझे लगी, तो एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक देखना ताकि आप भी इस मूवी को ठीक से समझ पाओ। तो कहानी की शुरुआत में हम दो स्कूल बस को देखते हैं, जिनमें से एक बस में हम मिस्सू को नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कॉपी में कुछ लिख रही होती है। लिखते वक्त उसकी दोस्त कहती है कि क्या ये हर समय लिखती रहती हो। तो इसी दौरान मिस्सू को पेन गिर जाता है और जैसे ही वो पेन नीचे उठाने के लिए झुकती है तो दोनों बसों में बैठी लड़कियां कट जाती हैं। मिस्सू को जैसे ही ऊपर उठती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि इन लड़कियों को हवा ने काटा होता है, जो अब मिस्सू को के पीछे पड़ जाती है। पर मिस्सू को अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। कुछ आगे जाकर उसे चार लड़कियां दिखती हैं जिन्हें वो नीचे झुकने को कहती है। इससे पहले कि वो लड़कियां कुछ समझ पाती, हवा इन लड़कियों को भी काट कर उड़ाकर फेंक देती है, लेकिन इनमें से एक लड़की को मिस्सू को बचा लेती है। इस लड़की को भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। इसके बाद इन्हें कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए दिखाई देती हैं, जिन्हें ये लड़कियां रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन हवा इन्हें काट देती है। इसके बाद इस लड़की को भी हवा काट देती है। फिर मिस्सू को इस सुनसान रोड पर भागती रहती है। इसके बाद मिस्सू को जंगलों में भाग जाती है। जंगलों में भागते भागते वो एक नदी के किनारे आ जाती है, जहाँ पर उसे और भी कटी हुई लाशें मिलती हैं जो कि नदी में तैर रही थी। यहीं पर पड़े कपड़ों से मिस्सू को अपने कपड़े एक्सचेंज करती है और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करती है। इसके बाद मिस्सू को जंगलों में चलती रहती है। इसके बाद वो कुछ लड़कियों के बीच में आ जाती है, जिनमें से कुछ लड़कियां उससे कहती है कि तुम कैसी हो मिस्सू को। तभी मिस्सू को की बेस्ट फ्रेंड यहाँ आती है, जिससे मिस्सू को कहती है कि क्या तुम आकी हो। यानी कि मिस्सू को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर, मिस्सू को आकी से ये पूछती है कि क्या हम सेम स्कूल से हैं, जिस पर आकी जवाब नहीं देती। पर हमें ये पता है कि ये दोनों अलग अलग स्कूल से हैं, क्योंकि पहले जो यूनिफॉर्म मिस्सू को पहन रही थी और अब ये लड़कियां जो पहन रही हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। अब हमें ये भी दिखता है कि आकी और मिस्सू को दोनों एक दूसरे को प्यार करती हैं, यानी कि ये लेस्बियन है। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है, जिससे मिस्सू को डर जाती है और स्कूल में आ जाती है। आकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मिस्सू को इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। मिस्सू को आकी को बताती है कि आज सुबह मुझे एक बुरा सपना आया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को हवा ने काट कर मार दिया था। ये सुनकर आकी को काफी अजीब लगता है और वो मिस्सू को कहती है कि हवा रोज की तरह ही है और वो किसी को नहीं मार सकती है। मिस्सू को अच्छा फील कराने के लिए आकी अपनी फ्रेंड टेको और सुर के साथ स्कूल बंक मारती है। तभी सामने से एक टीचर आती है जो इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये लोग टीचर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे टीचर नाराज हो जाती है। इसके बाद ये भाग कर लेक के पास आ जाती है। यहाँ आकी टेको और सुर को भी मिस्सू के बुरे सपने के बारे में बताती है। तभी सुर कहती है कि मिस्सू को सपना सच भी हो सकता है किसी दूसरी रियलिटी में। जैसे यूनिवर्स में अनंत यूनिवर्स होते हैं, वैसे ही अनंत यूनिवर्स में अनंत रियलिटी। सूर्य इस बात का एग्जांपल लेक में एक पत्थर फेंक कर देती है और कहती है कि मैंने इस यूनिवर्स की रियलिटी में पत्थर फेंका, लेकिन दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी में मैंने पत्थर ना फेंका हो। तभी अचानक से एक मगरमच्छ टेको पर अटैक कर देता है, लेकिन ये सब नकली होता है। असल में सूर्य एग्जाम्पल दे रही होती है कि दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ हमारी टेको बिल्कुल सही सलामत है। इन्हें यहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ मिलता है, जिसकी तकिया उठाकर ये चारों लोग खेलने लगते हैं। तभी मिस्सू को दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक लड़की बेडिंग ड्रेस में थी। इसका मतलब ये यहाँ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने आई थी। खैर, हम मूवी की डीप मीनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लेन। सूर्य इन्हें बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और हमें डेस्टिनी को धोखा देना है, तो हमें कुछ अनएक्सेप्टेड करना होगा, यानी कि जिसकी उम्मीद भी ना हो। अभी अपने नेक्स्ट पीरियड तक स्कूल में आ जाते हैं और अपनी अपनी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मिस्सू को यहाँ एक तकिया दिखाई देता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है, तो इनकी टीचर सभी लड़कियों को गोलियों से भून कर मार देती है, सिवाय मिस्सू को के। ये टीचर मिस्सू को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक मारने की। तभी सुर और टेको अगर मिस्सू को लेकर भागती हैं और क्लास में आकर छुप जाती हैं। तभी यहाँ पर इनकी दूसरी टीचर आती है और टेको को मार देती है। इसके बाद सुर मिस्सू को लेकर भागती है, लेकिन पीछे से इनकी टीचर सुर को गोली मार देती है। मरते मरते सुर मिस्सू को कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा। इसके बाद मिस्सू को और बाकी स्कूल के बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और स्कूल टीचर उन्हें अलग अलग टाइप की गन से मारने लगती हैं। मुश्किल से ही कुछ लड़कियां बचती हैं, जिन्हें हवा काट कर मार डालती है। इसके बाद मिस्सू को फिर से अकेली हो जाती है और भागकर एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है। यहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जिसे वो बताने की कोशिश करती है कि अभी अभी स्कूल में क्या हुआ। इस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे अपना नाम टुमुको बताती है और कहती है कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रही हो, तुम्हें तो रिसेप्शन में होना चाहिए। टुमुको मिस्सू को मिरर दिखाती है, जिसमें उसका चेहरा बदल जाता है और टुमुको
उसे केको नाम से पुकारती है। अब टुमुको केको को उसकी शादी पर ले जाती है जिसमें उसके आसपास की औरतें उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। टुमुको केको को लेकर चर्च आती है जहां पर उसे आकी मिलती है। आकी को देखकर केको को थोड़ी सी तसल्ली होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। आकी उसे कहती है कि मुझे पता है मगर उन लोगों की हम पर अभी नजर है। बाकी लड़कियों के वहां से चले जाने के बाद आकी उसे बताती है कि तुम मिसुको और केको दोनों ही हो और ये तुम्हारी शादी है, लेकिन तुम घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। इसके बाद आकी मिसुको को उसकी बैटिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी जो लड़कियों से देखने आई होती है उन्हें मारने लगती है और एक एक करके वो उन सभी को मार देती है, जिसके बाद वो मिसुको को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद मिसुको एक टूटी हुई बोतल लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद सभी लड़कियाँ उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन सब अचानक से मिसुको यानी कि केको के सामने अपने कपड़े उतार कर उसको चिढ़ाने लगती है, जिसके बाद मिसुको कॉफिन के पास जाती है जिसमें आदमी की जगह एक सुअर बाहर निकलता है, जिसे देखकर मिसुको डर जाती है और उसी टूटी हुई बोतल से सुअर को मार देती है। इसके बाद मिसुको बाकी सभी लड़कियों को मारने लगती है, जिसके बाद आकी यहाँ आती है और उसे ले जाने लगती है। लेकिन सामने दो ब्लैक ड्रेस वाली औरतें इनका रास्ता रोकती हैं। मिसुको और आकी उन दोनों को पीटने के बाद वहाँ से भागने लगती हैं। बाहर आने के बाद आकी मिसुको को भागने को कहती है। मिसुको भागकर दूसरे साइड में आती है जहाँ पर वो मिरर में देखती है कि उसका चेहरा अब बदल चुका है, और जब मिसुको देखती है कि उसका चेहरा बदल चुका है तभी वहाँ पर कुछ रेसर लड़कियाँ आती हैं और मिसुको को इजुमी नाम से पुकारती हैं। ये इजुमी को कहती है कि हमें रेस जीतनी होगी। इसके बाद इजुमी भागने लगती है, जिस दौरान उसकी दोस्त बताती है कि तुम बचपन में हर एक रेस जीती थी और तुम भागने में बहुत तेज थी। इजुमी मोटिवेट होकर अपना सारा फोकस रेस जीतने में लगा देती है। तभी इजुमी को टेको और सुर भी दिखती है, पीछे से आकी भी आती है। इसके बाद हम उस सुअर और दो ब्लैक ड्रेस वाली औरतों को देखते हैं जो कि इजुमी की तरफ आ रहे थे। इसके बाद ये तीनों इजुमी को ट्रैक बदलने को कहती है और कहती है कि तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इजुमी भागकर एक अंधेरे वाली जगह आती है जहां एक लड़की इजुमी के पास आती है और उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पर बहुत सारी लड़कियां स्कूल की ड्रेस पहने हुए थी और वो कहती है कि इजुमी हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी आकर इजुमी को बचाती है और उससे कहती है कि इजुमी तुम्हें अपना असली नाम मिसुको को पुकारना है। आकी के कहने पर इजुमी अपना नाम कई बार मिसुको लेती है, जिसके बाद वो मिसुको बन जाती है। इसके बाद आकी मिसुको से अपने हाथ में लगी वायर खींचने को कहती है ताकि वो मर सके, जिसके बाद मिसुको इस दुनिया से बाहर निकल सके। मिसुको के लिए ये काफी मुश्किल था कि जिससे वो प्यार करती है वो उसे मारे, पर आकी के कन्वेंस करने के बाद मिसुको वायर खींचती है जिसके बाद उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें जाने के बाद मिसुको अपने आप को मैन बर्ड यानी कि आदमियों की दुनिया में पाती है। यहाँ वो अपने आप को और अपने दो फ्रेंड को बोर्ड पर देखती है। तभी एक आदमी मिसुको को बताता है कि तुम यहाँ फ्यूचर में हो। ये सुनकर मिसुको बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो दीवारों के पास में बहुत सारी लड़कियों को खड़ा हुआ देखती है। आगे जाने पर मिसुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो एक गेम खेल रहा था, यानी कि मिसुको और उसकी दो फ्रेंड को यही बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे एक गेम का कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। असल में तुम मर चुकी हो और मैंने तुम्हारा DNA बचाकर तुम्हारा रियल एस्टेट कैरेक्टर बनाया है। इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को बनाया है ताकि तुम सब मेरा एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ पर मिसुको को पता चलता है कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक गेम का हिस्सा था। ये जानकर मिसुको शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि देखने में इस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन लगता है। वो मिसुको को अपने पास सोने को कहता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। इसके बाद मिसुको इस आदमी के पास लेट जाती है। तभी मिसुको को अपनी दोस्त सुर की कही बात याद आती है कि किस्मत को जब ही किक किया जा सकता है जब तुम कुछ अनएक्सेप्टेड करोगे। तभी मिसुको इस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। इसके बाद मिसुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है, क्योंकि इससे ज्यादा अनएक्सेप्टेड और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे मिसुको मर जाती है और ये बूढ़ा आदमी चीखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसुको का जब पेन बस में नीचे गिरता है तो इस बार वो पेन उठाकर अपने आप को मार लेती है। केको भी अपने आप को बोतल से मार लेती है और इजुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मिसुको अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और मिसुको कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे पता है कि ये मूवी आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखना। पहले मैं आप लोगों को मूवी की स्ट्रेट एंडिंग के बारे में बताऊंगा और इसके बाद कुछ ऐसे सीन्स की डीप मीनिंग जो औरतों के साथ होती है, होमोसेक्सुअल के साथ होती है, जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंडिंग की बात करें तो मिसुको केको और इजुमी के साथ जो हुआ वो सब इस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ और ये कोई नॉर्मल सा गेम नहीं था। इनमें कैरेक्टर उनके बचे हुए DNA से बने हुए थे, लेकिन बस उनके अंदर फीलिंग्स थी जो इन्हें लीड कर
करती थी वो किसी तरह इस गेम से बाहर निकले। यहाँ मित्सुको की दोस्त उसे रास्ता दिखाती है जिसके फाइनली मित्सुको गेम से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे गेम बनाने वाले से पता चलता है कि ये सब तो बस एक गेम का हिस्सा है। ये जानने के बाद मित्सुको हैरान हो जाती है। हर गेम एंड होने के बाद गेम दोबारा से खेला जाता है, यानी मित्सुको भी बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद फिर से ये उसके साथ सारे इंसिडेंट होंगे। पर मित्सुको ने पहले राउंड में ही ये जान लिया था कि अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है, यानी उनके कंट्रोल में नहीं रहना है, तो उसे कुछ अनएक्सेप्टेड करना होगा। ये समझने के बाद मित्सुको मर जाती है और एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, और फाइनली ये कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ, यानी कि वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। अब हम बात करेंगे कुछ डीप मीनिंग्स के बारे में जो हमें मूवी के जरिए दिखाई गई है, जैसे कि मूवी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, यानी कि औरतों के शोषण के बारे में बताती है। इसीलिए इस मूवी में औरतें ही औरतें दिखाई गई हैं, फिर चाहे आदमी आदमी होता है, चाहे वो गे हो या कोई और, इसीलिए मूवी में फोकस औरतों और उनके लेस्बियन होने पर ही है। तो सबसे पहले मित्सुको जो कि एक लेस्बियन है, और उसे ऐसा दिखाया गया है कि वो सिर्फ अकेली ही पोयम लिख रही है, बाकी की लड़कियां मौज मस्ती कर रही है। मित्सुको डिफरेंट है इसीलिए बाकी सब लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही है, और जब सारी लड़कियां मर जाती है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वही चुना जो सब चुनते हैं या चुनना चाहते हैं, लेकिन मित्सुको बच जाती है क्योंकि उसने वो चुना जो सब नहीं चुनना चाहते हैं। तो इसीलिए आखिर में वो लड़की मित्सुको से कहती है कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मर जाना चाहिए, यानी कि हमने जो चुना है तुम भी वही चुनो। इसके आगे हमने देखा था कि वो सब एक लेक के पास आ गए हैं, वहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ था जो उन दोनों लड़कियों का था। ये सब जब होता है जब दो लड़कियां समाज से छुपकर एक दूसरे के साथ शादी कर लेती हैं, तो उन्हें सोसाइटी यानी कि समाज से नकार दिया जाता है, या जब दो लेस्बियन लड़कियां समाज से छुपकर शादी करती हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते को सोसाइटी से छिपाने के लिए ये सब करना पड़ता है। आगे टेको भी एक लेस्बियन होने के बाद शादी कर रही थी, ये बात उसके सभी दोस्त जानते थे, इसीलिए वो सब उसे चिढ़ाती हैं कि आखिर ये शादी तुम समाज के अनुसार कर रही हो, वो भी एक लड़के से, और लड़के की जगह एक सुअर हमें इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि केको के लिए वो एक जानवर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, यानी कि उसकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं है, इसीलिए केको उसे मारकर ये दर्शाती है कि उसे ये मंजूर नहीं। इसके बाद आके मित्सुको को बाहर इसलिए खींचने को कहती है ताकि वो रियल वर्ल्ड में जा सके। तो एक तरीके से आके मित्सुको से कहती है कि मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग है तुम्हें उन्हें मारना होगा। मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन वो ऐसा करती है, जिसके बाद वो मैन वर्ल्ड में आती है जहाँ गेम बनाने वाला मित्सुको के साथ अपने यंगर वर्जन में सोना चाहता था, लेकिन मित्सुको कुछ अनएक्सेप्टेड करती है, जिसके बाद वो खुद को मारकर गेम से बाहर आ जाती है। और आखिरी बात हमने ये देखी थी कि आदमी जो होते हैं वो औरतों को गेम में भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहीं पर ही होती है चर्चा समाप्त। तो दोस्तों अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। लाइक लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।